इधर राहुल के चीन की युद्ध तैयारी वाले बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है और पलटवार करते हुए कहा है कि 1962 याद कर ले राहुल, तब देश की हालत क्या थी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे। हमारी सेना का अपमान ना करें, केवल बात ना करें। तो शिवराज सिंह चौहान ने यह पलटवार किया है, राहुल गांधी पर तंज कसा है और ये भी कहा है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया है, पलटवार किया है राहुल गांधी के बयान पर और अब इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में सियासत एक बार गर्माते हुए दिखाई दे रही है। मैं राहुल गांधी से पहले पूछना चाहता हूं, 1962 भी याद कर लो राहुल गांधी, तब देश की हालत क्या थी, चीन ने कितने भूभाग पर कब्जा किया था, जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे। आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और अगर किसी ने आंख उठा के हमारे देश की तरफ देखने की हिम्मत की, चीन ने भी की थी, तो चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंका था हमारी सेना ने। हमारी सेना का अपमान ना करे, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है और कह नहीं रहे, हम कर रहे हैं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बता दें कि राहुल गांधी राजस्थान में हैं और उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है और कहा है कि हमारी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। बता दें कि राहुल गांधी ने यह बयान दिया था और कहा था कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है, हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचने की भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। आपको जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया, राहुल गांधी ने पहले बयान दिया था कि चीन युद्ध की तैयारी कर रही है और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है और कहा है कि 1962 को भी याद कर लो राहुल, तब देश की हालत क्या थी। तो पहले राहुल गांधी ने बयान दिया चीन के ऊपर और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी पलटवार सामने आया है और उन्होंने कहा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, राहुल गांधी ने यह बयान दिया कि चीन युद्ध की तैयारी कर रही है, सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, और अब सीएम ने भी उनके ऊपर पलटवार किया है। देखिए, चाइना बॉर्डर पर जो स्थितियां नजर आ रही है उसको लेकर राहुल गांधी का बयान था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बॉर्डर पर तमाम तरह की तैयारियां भारतीय सरकार की तरफ से की गई है, केंद्र की तरफ से की गई है, और जो चीजें वहां दिखाई दे रही रफेल से लेकर और बाकी चीजें, वो इस तरफ इशारा कर रही कि भारत सैन्य क्षमता में कहीं कम नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का ये बयान कि ये वहां जो दिखाई दे रहा है वो बेहतर स्थिति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इवेंट करती रहती है, उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है, बल्कि ये दिखाया है कि 1962 को भी याद कीजिए जब आपकी सरकार रहा करती थी, छोटे छोटे देश भारत के ऊपर आंखें गड़ाया करते थे, लेकिन अब चीजें बदली है मोदी के नेतृत्व में और
चीजें बदलने के साथ ही भारत एक अलग दिशा में आगे बढ़ रहा है, चाहे सैन्य क्षमता में बात करें या आर्थिक क्षमता में बात करें। तो सीधे तौर पर हमला बोला है राहुल गांधी पर, लेकिन इन बयानों के साथ साथ बीजेपी एक अलग बोर्ड पर नजर आ रही है। आज भी हमने देखा पाकिस्तान से जिस तरह का बयान सामने आया उसको लेकर भी विरोध जताया गया पूरे मध्य प्रदेश में। कटनी में आज भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक चल रही, देर शाम ये भी कहा जा रहा है कि तमाम वरिष्ठ नेता शायद जाकर पाकिस्तान का पुतला जला सकते हैं। तो बीजेपी अब 23 की तरफ 24 की तरफ तो बढ़ ही रही है, लेकिन इस तरह के बयान जिसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये भारत की बात नहीं है, बात दुनिया में भारत की है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से अपना स्थान बनाया है तो उसी को लेकर जोरदार तरीके से हमला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोला है। पर इतना जरूर नजर आ रहा है कि चाइना को लेकर राहुल गांधी का यह बयान शायद उनको भारी पड़ने वाला, बीजेपी ने इसकी तैयारी भी की। जी मनोज जी, आप बिल्कुल, बीजेपी एक अलग ही मोड में नजर आ रही है। तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका धन्यवाद।